ये उत्साह और हमारी माताओं बहनों का ये आशीर्वाद ये बता रहा है कि बंगाल में जीत विकास की होगी। आज पूरा बंगाल कह रहा है 4 जून 400 पार, 4 जून 4 जून 4 जून आबार एक बार। साथियों, अभी 2 दिन पहले पोइला वैशाख के दिन बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र देश के सामने रखा है। बीजेपी के संकल्प पत्र में मोदी ने अगले 5 वर्षों की गारंटी दी है। हम गरीबों के लिए 3 करोड़ और नए मकान बनाएंगे। ये मोदी की गारंटी है। हम मुफ्त बिजली के लिए कम दाम पर सोलर पैनल देंगे और बिजली बिल 0 कर देंगे। ये मोदी की गारंटी है। बीजेपी सरकार आने वाले पूरे 5 वर्ष मुफ्त राशन देती रहेगी ताकि गरीब के घर का चूल्हा जलता रहे। 70 वर्ष से अधिक हर बुजुर्ग को आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज मिलेगा। बंगाल में हमारी बेटियों का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए उन्हें आईटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रिटेल और टूरिज्म जैसे सेक्टर्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। मकान, पानी, बिजली, सिलेंडर जैसी सुविधाएं देश के हर गरीब तक पहुंचाई जाएगी। भाइयों और बहनों, इन सभी फैसलों से बंगाल के गरीब, दलित, आदिवासी और महिलाओं का कल्याण होगा। इसलिए जब से मोदी का ये गारंटी कार्ड आया है, टीएमसी के लोग डबल बौखलाए हुए हैं। इन्हें लगता है कि इतने दिनों से तो ये लोग मोदी की योजनाओं को बंगाल के लोगों तक पहुंचने से रोक रहे थे, गरीबों को पीएम आवास नहीं मिलने दे रहे थे, हर घर जल का जो मिशन है उसको गांव तक नहीं जाने दे रहे थे, केंद्र मनरेगा का पैसा भेजती थी ये रोक कर बैठ जाते थे। अब इन्हें लग रहा है अब तो मोदी ने हर गरीब तक योजनाएं पहुंचाने की गारंटी दी है। अगर बंगाल के गरीब को मोदी के कामों का लाभ मिल जाएगा, गरीब आगे बढ़ जाएगा, तो टीएमसी की दुकान ही बंद हो जाएगी। और इसलिए ये लोग झूठ और अफवाह फैलाने पर उतर आए हैं। लेकिन मेरे बंगाल के लोगों को पता है मोदी गारंटी होलो गारंटी पूर्ण होवार गारंटी। साथियों, हमारे बंगाल ने, बालूरघाट ने
देश को कितना कुछ दिया है। यहां के आदिवासी समाज के त्याग और बलिदान का देश पर बड़ा कर्ज है। बांग्लादेश युद्ध में युवा चुरका मुर्मू के बलिदानों को कौन भूल सकता है। आज बीजेपी यहां आदिवासियों दलितों के सम्मान के लिए लड़ रही है। ये बीजेपी सरकार ही है जिसने आदिवासी समाज के सम्मान में जनजातीय गौरव दिवस मनाने की शुरुआत की। हमारी सरकार ने बंगाल में आदिवासी बच्चों के लिए 8 नए एकलव्य आवासीय विद्यालय खोले हैं। और ये बीजेपी है जिसने द्रौपदी मुर्मू जी को देश को पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनाया है। दलितों के सम्मान के लिए भी बीजेपी बाबा साहब आम्बेडकर से जुड़े पंचतीर्थों का विकास कर रही है। लेकिन भाइयों बहनों, दूसरी ओर टीएमसी जैसी पार्टी है जो दलित आदिवासी महिलाओं को अपना बंधक बनाकर रखना चाहते हैं। इसी बालूरघाट में 3 आदिवासी महिलाओं ने बीजेपी को ज्वाइन किया था तो टीएमसी के गुंडे वहां आ धमके थे। टीएमसी के लोगों ने उन महिलाओं को घुटनों के बल बैठाकर माफी मांगने को मजबूर किया। टीएमसी को लगता है कि दलित आदिवासी गरीब अपनी मर्जी से चलने के लिए आजाद नहीं है। लेकिन ये चुनाव इन्हें बताएगा कि बाबा साहब आम्बेडकर के लोकतंत्र में दलित, वंचित, आदिवासी टीएमसी के गुलाम नहीं है और नहीं रहेंगे। आदिवासी महिलाओं को घुटनों पर बैठाने वाली टीएमसी, ये पूरी की पूरी टीएमसी जल्द ही घुटनों पर आ जाएगी। साथियों, लेफ्ट और टीएमसी की सरकारों ने बालूरघाट जैसे सीमावर्ती क्षेत्र जहां दलित आदिवासी ज्यादा है उन्हें जानबूझकर विकास से वंचित रखा। यहां इन्होंने जीवन के लिए जरूरी सुविधाएं नहीं पहुंचने दी, इलाज के लिए अच्छे अस्पताल नहीं खुलने दिए, रोजगार के अवसर नहीं पैदा होने दिए। यहां के युवाओं को बड़ी संख्या में गढ़ छोड़कर जाना पड़ता है। लेकिन बीते 10 वर्षों में टीएमसी के तमाम विरोध के बावजूद बीजेपी ने बालूरघाट और बंगाल के विकास के लिए हर संभव प्रयास किया है। भाजपा बालूरघाट स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन के रूप में विकसित कर रही है। अभी जनवरी में भाजपा एनडीए सरकार ने यहां से सियालदह को जोड़ने के लिए एक नई ट्रेन शुरू की है। बठिंडा से मालदा तक चल रही ट्रेन को भी बालूरघाट से जोड़ दिया गया है। केंद्र सरकार ने बालूरघाट एयरपोर्ट के लिए भी
बहुत प्रयास किया है, लेकिन यहां की टीएमसी सरकार की नीयत ही नहीं है कि यहां एयरपोर्ट बने। भाइयों और बहनों, टीएमसी के लाख विरोध के बावजूद अगले 5 वर्षों में भाजपा सरकार बंगाल और बालूरघाट के विकास के लिए हर प्रयास करेगी, ये मोदी की गारंटी है। वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों और अच्छे हाईवे का लाभ इस पूरे क्षेत्र को मिलेगा, क्योंकि आपके सपने ही मेरा संकल्प है। आपनार सपनो आमार संकल्पो। और भाइयों बहनों, मैं आपको वादा करता हूं, आपके सपनों को पूरा करने के लिए मेरा पल पल आपके नाम, मेरा पल पल देश के नाम। और लिख लीजिए 24/7 फॉर 2047, ये मोदी आपके लिए है। साथियों, दिनाजपुर क्षेत्र के पिछड़ेपन का बड़ा कारण यहां के किसानों और कारीगरों की उपेक्षा भी है। गंगा रामपुर का हैंडलूम तांत, यहां के कलाकारों द्वारा बनाई गई लकड़ी की प्रतिमाओं की तारीफ हर जगह होती है। यहां के किसान तो जूट उगाते हैं, उससे देश की जरूरत पूरी होती है। इतने दशकों बाद ये भाजपा सरकार है जिसने जूट किसानों और कलाकारों की चिंता की है। भाजपा ने 18 पारंपरिक व्यवसायों जैसे कुम्हार, लोहार, टोकरी बनाने वाले, चटाई बनाने वाले, ऐसे कारीगरों और हस्तशिल्पियों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की है। इस पर 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं ताकि उनकी प्रतिभा को पहचान मिले, उनका काम बढ़े, उनकी आय बढ़े। हमारी ही सरकार ने बैंबू को घास की श्रेणी में डाला था ताकि उससे आजीविका चलाने वाले लोगों को बैंबू काटने में परेशानी न हो। जूट किसानों के लिए हमने पिछले 10 वर्षों में जूट की एमएसपी 2 गुने से ज्यादा बढ़ाई है। हमने चीनी, अनाज ऐसी अनेकों चीजों की पैकेजिंग के लिए जूट का उपयोग बढ़ाया है ताकि जूट की खपत बढ़े और मेरे जूट किसानों को लाभ हो। जूट किसानों के लिए हमने जूट आई केयर योजना भी शुरू की है, जिसका लाभ बंगाल के 3 लाख से ज्यादा किसानों को मिल रहा है। साथियों, बंगाल की टीएमसी सरकार तोलाबाजों, अपराधियों और भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन गई है। बीजेपी कार्यकर्ता की यहां आए दिन हत्याएं होती हैं। बालूरघाट में कुछ वर्ष पहले
हमारे बूथ सभापति की हत्या की गई। संदेश खाली में महिलाओं पर जो जुल्म हुए, शोषण की जो घटनाएं सामने आई, उनसे पूरा देश दहल गया है। देश ने ये भी देखा कि टीएमसी सरकार किस तरह संदेश खाली के अपराधी को आखिर तक बचाने में लगी रही। साथियों, टीएमसी बंगाल में भ्रष्टाचार का भी खुला खेल खेल रही है। सरकारी ठेके टीएमसी के गुंडों का बिजनेस बन गए हैं। यहां तक कि प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती तक में घोटाले हो रहे हैं। सरकार में मंत्रियों के ठिकानों पर रेड होती है तो करोड़ों रुपया कैश बरामद होता है। एजेंसियां जब भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई के लिए जाती हैं तो उन पर हमले करवाए जाते हैं। भाइयों और बहनों, टीएमसी ने एक तरह से बंगाल को अवैध घुसपैठियों और अपराधियों को लीज पर दे दिया है। इसलिए बंगाल सरकार घुसपैठियों को संरक्षण देती है और कानूनी शरणार्थियों को नागरिकता देने वाले सीएए कानून का विरोध करती है। आपको इनकी अफवाहों में नहीं आना है। ये अपने भ्रष्टाचार और अपराधों को छिपाने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। टीएमसी को इनके पापों की सजा कमल का बटन दबाकर देनी है। साथियों, आने वाली 26 अप्रैल को बंगाल के भविष्य के लिए बड़ा अवसर है। बालूरघाट से आपके सांसद और बीजेपी प्रत्याशी भाई सुकांत मजमूदार जी ने पिछले 5 वर्षों में यहां के विकास के लिए दिन रात मेहनत की है। आपको इस बार इन्हें रिकॉर्ड वोटों से जीतवाना है। आपको मैं एक जिम्मेदारी और दे रहा हूं। आपको पश्चिम बंगाल के घर घर तक मोदी का प्रणाम पहुंचाना है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। So that's the Prime Minister Narendra Modi addressing his mega rally in the state of West Bengal in Balurghat, and of course taking on the Mamata Banerjee government over a host of issues, and also the issue of Ram Mandir, the celebrations around Ram Navami, and how he says that Mamata Banerjee and her sarkar have deliberately tried to pause these celebrations in the state, and it's the BJP that can change it for the people of West Bengal if voted to power. Keen sir, your dinner. On a tile? Arre, it's antibacterial. Mm-hmm. Easy to clean. But plates? Keen bhai, it's a tile lad. IM Plus technology se bane world class tiles. Tile ho to simple ho.